बाराबंकी शहर के मोहारी पूर्वा मोहल्ले में रविवार शाम एक वृद्धा को नाती के शव के साथ रहते हुए पाया गया। शव को कीड़े खा रहे थे। मौके पर पहुंची सीओ और कोतवाल हकीकत जानने के बाद दंग रह गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस वृद्धा के इलाज की व्यवस्था कराने में लग गई। परिजनों को सूचना दी गई है। बता दें कि मोहारी पूर्वा मोहल्ले के लोग पिछले 3-4 दिनों से दुर्गंध से परेशान थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। रविवार की दोपहर बाद जब दुर्गंध के कारण एक मकान के आसपास रहने वालों का वहां रहना मुहाल हो गया तो मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शहर कोतवाल संजय मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जिस घर से दुर्गंध आ रही थी पुलिस उसके अंदर काफी मशक्कत के बाद पहुंचे। पुलिस नजारा देखकर दंग थी क्योंकि घर के अंदर पूरी तरह सड़ चुके शव के साथ करीब 65 वर्षीय वृद्धा बैठी पाई गई। वृद्धा को देखकर लग रहा था कि शव के साथ रहने की आदी है। वही पूछताछ में पुलिस को ये पता चल गया कि वृद्धा मनोरोगी है। भीषण दुर्गंध से पुलिस वालों का रुकना भी मुश्किल था। मौके पर पहुंची सीओ डॉक्टर बीनू सिंह ने किसी तरह शव को वाहन में रखवा कर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ में पता चला कि वृद्धा ब्राह्मण परिवार से है। उसके साथ रहने वाला युवक उसका नाती है। इस युवक के माता पिता का भी देहांत हो चुका है। वह पिछले कई साल से नानी के साथ ही रहता था। लोगों ने बताया कि वृद्धा अक्सर दरवाजा खोलती और बंद करती थी। सीओ डॉक्टर बीनू सिंह ने वृद्धा के इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। लोगों का मानना है कि शव करीब 10 दिन पुराना है। शहर कोतवाल संजय मौर्य ने बताया कि युवक की उम्र 17 से 19 साल के बीच की रही होगी। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वृद्धा के कितने पुत्र पुत्री हैं, किन हालात में वृद्धा यहाँ अपने नाती के साथ रह रही थी, इसकी भी जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता चल सकेगा। वहीं पुलिस ने बताया कि ये भी संज्ञान में आया है कि महिला का दूसरा विवाह हुआ था। इसके परिजन लखीमपुर में रहते हैं। दामाद या संतान भी है। मोबाइल नंबर पर पूरी सूचना दे दी गई है। उनके आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस घटना के संबंध में उनका बयान लिया जा सके। जिसने भी इस घटना को सुना वो दंग रह गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।